हम जब भी बीमार पड़ते हैं, जब भी हमें जुकाम होता है, तब हमारे नाक से लगातार पानी बहने लगता है। एक चिपचिपा सा पदार्थ जो हमें बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है। जब हमें कई दिनों तक बुखार रहता है, तब तो ये चिपचिपा सा पदार्थ अपना रंग भी बदल लेता है, हल्का ग्रीनिश कलर का हो जाता है। जानते हैं इस चिपचिपे से पदार्थ को क्या कहते हैं? इस चिपचिपे से पदार्थ को म्यूकस कहते हैं। हमारा शरीर एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर म्यूकस रोजाना निकालता है। तो फिर इसका काम क्या होता है? दरअसल चिपचिपा सा पदार्थ हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं, उन सभी के आंतरिक लेयर पर प्रोड्यूस होता है। और जो ये म्यूकस है, म्यूसिन नाम की एक प्रोटीन से बना होता है। इसमें लगभग 1 से 5% म्यूसिन प्रोटीन होता है, जिसके कारण ये जो सब्सटेंस हैं, इसके अंदर बहुत सारे पानी होता है, लगभग 90%, और कुछ वाइट ब्लड सेल भी होते हैं। जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या फिर पैरासाइट हमारे शरीर में एंट्री करता है, तो हमारे शरीर के ऑर्गन में जो इनर लाइनिंग पर मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो म्यूकस रिलीज करने लगता है, और इस चिपचिपे से पदार्थ में मिलकर ये पैथोजन नष्ट हो जाते हैं। देखिए, जब हम अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारे नाक से जो म्यूकस निकलता है, जो चिपचिपा सा पदार्थ सफ़ेद रंग का, हल्का सा ट्रांसपेरेंट टाइप का, वो हमारे नाक का अंदरूनी म्यूकस मेम्ब्रेन और इन नेजल साइनेप्सिस से निकलता है। होता यह है कि जब भी एयर हमारे नाक से एंट्री करती है, तो एयर में मौजूद ये छोटे छोटे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, जिन्हें मारने के लिए म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये म्यूकस हमारे नाक व साइनेप्सिस में होते हैं। जब एयर ट्रेकिया पर आती है, यानी विंड पाइप के अंदर, तो इसके अंदरूनी दीवार पर भी यह म्यूकस हमेशा बनता ही रहता है, और हमारे फेफड़े के अंदर हमेशा फ्रेश एयर बिना बैक्टीरिया वायरस के पहुंचती ही रहती है। अब अगर किसी तरीके से बैक्टीरिया हमारे फेफड़े के अंदर, हमारे एल्वेलाई के अंदर बैक्टीरिया या वायरस पहुंच जाते हैं, तो इन एल्वेलाई के अंदर शरीर बहुत ही तेजी से म्यूकस बनाने लगता है, जिसके कारण से इन एल्वेलाई के अंदर इन्फ्लूमेशन होने लगता है। और जब हम कभी भी हमारे फेफड़ों के अंदर से म्यूकस को बाहर निकालते हैं, तो इनमें उनका कलर भी हल्के या गहरे ग्रीनिश रंग में दिखता है। अब जो म्यूकस जिसके अंदर डेड बैक्टीरिया या वायरस मिले हुए हैं, जो कि हमारे एल्वेलाई या ब्रोंकियोल्स से निकल रहा है, इसे फ्लेज्म कहते हैं वेस्टर्न भाषा के अनुसार। और जो ये फ्लेज्म का रंग हल्के ग्रीन रंग का दिख रहा है, असल में इसके हरे रंग का कारण ये जो बैक्टीरिया वायरस हमारे एल्वेलाई के अंदर आ गए थे, उनको मारने के लिए वाइट ब्लड सेल आई थी, जो कुछ एंजाइम रिलीज करती है, जिसके कारण इसका रंग हल्के या गहरे ग्रीन रंग में बदल जाते हैं। तो कुछ इस कारण से और इस तरीके से हमारा फेफड़ा बलगम बनाता है, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर दोस्तों के साथ में ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।